शिवराज और मोदी सरकार के प्रति आक्रोशित है। न तो किसान है सुरक्षित है, नौजवान बेरोजगार के आत्महत्या को मजबूर है, महिलाओं पर प्रदेश में दमन अत्याचार, बच्चियों पर बलात्कार भारी पैमाने पर है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज विधानसभा में पीवीसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाके सरकार ने बहुमत के दम पर पास किया है। मैं निंदा करता हूँ, जो प्रजातंत्र की हत्यारी सरकार है, प्रजातंत्र देश से समाप्त करना चाहती है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता नौजवान जन सैलाब के साथ भोपाल की सड़कों पर। इसके पहले मोदी ने कहा 60 साल में क्या हुआ, मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ 60 साल में क्या रेलवे स्टेशन, BHEL, नवरत्न कंपनियां, हवाई अड्डे क्या मोदी जी ने बनवाए थे? उन्होंने जब प्रधानमंत्री होने की गरमा उन्हें विदेश में जाके गिराई है। राहुल गांधी ने सच्चाई, जो प्रजातंत्र का समापन हो रहा है उसके बारे में देश को और पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। EDI, IT और CBI जो भाजपा के नौकर हैं, जो मालिक का आदेश मिलता है उनको निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करते हैं। ये तो आप ही को दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा प्रदर्शन था। इससे बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार हम सबको राजभवन जाने से रोक रही है। ये बहुत ही गैर कानूनी कार्य है। कांग्रेस जनता की आवाज सड़क से लेकर गांव-गांव तक जाएगी और 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश की जनता बना के देगी। सर, मोदी जी का कहना है कि राहुल जी बाहर जाके डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्या सर, मोदी जी का कहना है कि डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन उठा रहे राहुल जी बाहर जाके? देखिए, जब सदन में नहीं सुनवाई होती, अखबार टीवी में नहीं दिखाई देता, तो कौन सी गलत बात की राहुल गांधी जी ने बाहर जाके।